अभी हम यहाँ जा रहे हैं बेसिक पीएचपी इंस्टॉल के लिए। जो आप नॉर्मल कोई भी पीएचपी एप्लीकेशन जब रन करते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या इंस्टॉल होता है, उसके लिए क्या क्या डिपेंडेंसी है। मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन में देखा गया है कि पीएचपी के लिए अपाचे चाहिए और एंजिनिक्स वेब सर्वर चाहिए, MySQL डेटाबेस चाहिए और मे बी की कंपोजर भी इंस्टॉल चाहिए। रिक्वायरमेंट है वो पीएचपी है, अपाचे एंजिनिक्स है, MySQL है, कंपोजर है। तो इन सब के इंस्टॉल होने के बाद हम पीएचपी का इन्फो, मतलब क्या सर्वर पे कॉन्फ़िगरेशन इंस्टॉल हुआ है, कौन सा वर्सन इंस्टॉल हुआ है, उस वर्सन का एक्सटेंशन क्या क्या इंस्टॉल्ड हुए हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ कुछ बेसिक कमांड्स हैं पीएचपी के इंस्टॉल करने के लिए। उसके साथ और क्या अपाचे या NGINX हो सकता है, MySQL हो सकता है, कंपोजर हो सकता है, जो एप्लीकेशन पीएचपी बेस्ड है तो उनके लिए यहाँ पे हम इंस्टॉल के प्रोसेस से होकर गुजरेंगे कि हमें क्या क्या इंस्टॉल करना होगा। अगर कोई हम पीएचपी का एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन हो जो इधर लारावेल फ्रेमवर्क पे हो, कोऑर्डिनेटर पे हो, सिम्फोनी पे हो, वर्डप्रेस पे हो, जो भी, तो इन सब के लिए पीएचपी, MySQL, जो डेटाबेस हम देना चाहते हैं, अगर MySQL देना चाहते हैं वो है MariaDB दे सकते हैं, पोस्टग्रेस दे सकते हैं। तो इन मोस्ट एप्लीकेशंस में MySQL यूज करते हैं। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन के लिए फर्स्ट रेपोजिटरी ऐड कर लेंगे अगर, तो यहाँ पे जब आप रन करते हैं एप्ट इंस्टॉल पीएचपी और वो बोलता है कि नो अनेबल टू लोकेट दी रेपोजिटरी फॉर पीएचपी, तो आप इसको रन कर सकते हैं। इसको रन कर लेंगे तो ये क्या करेगा कि पीएचपी रेपोजिटरी को आपके लिस्ट में, पैकेज लिस्ट में डाल देगा। तो यहाँ से फिर जो भी पैकेज चाहिए वो इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर एक बार आप जब रेपोजिटरी अपने पैकेज लिस्ट में डालेंगे तो उसके बाद आपको अपडेट चलाना पड़ेगा। फिर आगे बढ़ते हुए हम चलाएंगे पीएचपी इंस्टॉल, उसका कॉमन मॉड्यूल को लेंगे, अगर CLI चाहिए उसको भी ले सकते हैं, लिब अपाचे 2 मोड, पीएचपी MySQL, FPM यूज होता है, अगर आप NGINX के थ्रू सर्व कराना चाहते हैं तो FPM वर्सन यूज कर सकते हैं, और अगर अपाचे के थ्रू यूज करना चाहते हैं तो नॉर्मल लिब अपाचे 2 मोड पीएचपी ये काम करेगा। और फिर से इंस्टॉल करते हैं MySQL सर्वर पे। MySQL सर्वर आप उसी PM पे रख सकते हैं, उसी VPS पे रख सकते हैं। /var/www फोल्डर का जो ओनरशिप है वो चेंज हो जाना चाहिए किसके ऊपर, www-data यूजर नेम एंड यूजर ग्रुप, ये दोनों सेम रहेगा और उसका ओनरशिप आ जाना चाहिए इसके पास, क्योंकि जो अपाचे हैंडलर है उसका यूजर चलेगा www-data करके। और नेक्स्ट आते हैं प्रिंटिंग इन्फो। तो हम पहले /www/html जो फोल्डर है वहां पे जाएंगे, वहां पे एक, अभी मैं केवल पीएचपी इन्फो प्रिंट करा कर देख रहा हूँ, इसको अगर कमेंट आउट कर देता हूँ तो जब मैं पीएचपी इन्फो प्रिंट कराऊंगा तो इन्फो यहाँ पे प्रिंट कर चुका है। अभी मैं आइडेंटिकल मॉड्यूल प्रिंट कर, तो अभी मैं केवल इन्फो मॉड्यूल का इन्फो मैं प्रिंट कराने जा रहा हूँ, मॉड्यूल इन्फो। तो मॉड्यूल इन्फो जब हम प्रिंट कराएंगे तो जो मॉड्यूल्स इंस्टॉल्ड हैं शायद उसका डिटेल्स यहाँ पे प्रिंट होगा। तो आप देख सकते हैं कि अपाचे टू हैंडलर पीएचपी ये सब का जो मेन बैनर है सब आ रहा था, वो सब नहीं आ रहा है। एप्ट इंस्टॉल SQL सर्वर, यहाँ पे सर्वर इंस्टॉल स्टार्ट हो गया है MySQL सर्वर। तो आप देख सकते हैं कि MySQL सर्वर इंस्टॉल हो चुका है, अभी मेरा MySQL इंस्टॉल हो चुका है। तो हम उसका सर्विस रन हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको एक बार चेक कर लेंगे। तो हम देख सकते हैं कि मेरा MySQL सर्विस रन हो रहा है और एक कम्युनिटी सर्वर रन हो रहा है, कम्युनिटी एडिशन का रन हो रहा है। तो उसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमें एक कमांड और चलाना होगा, MySQL सिक्योर इंस्टॉल। सिक्योर इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे हमें जो पासवर्ड चेंज करने का ऐसा ऑप्शन जो मिलता है वो मिलेगा। Securing the MySQL server deployment, connecting to MySQL using a blank password. अभी blank password से हम अपना MySQL server का install complete करने जा रहे हैं। Press yes for yes or any other key for no. So हम press yes करेंगे। तो यहाँ पे हमें पूछा जाएगा एक password. There are 3 level of password valid policy. Low, that is less than or equal to 8. Medium length, less than equal to 8. Numeric mixed case, special character something. और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। तो हम सपोज यहाँ पे अभी यूज कर रहे हैं 100, एस्टिमेटेड स्ट्रेंथ ऑफ पासवर्ड 100 करेक्टर का पूछ रहा है, लेकिन मैं अभी इसी से प्रोसीड करने जा रहा हूँ।
रिमूव एनोनिमस यूजर, तो यस ये सिक्योर इंस्टॉल हो रहा है। डिसअलाउ रूट लॉगिन रिमोटली, यस रूट लॉगिन रिमोटली अलाउ नहीं करना है। रिमूव टेस्ट डेटाबेसेस, ये डिप्लॉयमेंट हो रहा है एक्चुअली, ये प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट के टाइम में सब करना जरूरी होता है। रिलोड प्रिविलेज टेबल नाउ, यस सो ऑल डन हो गया। तो ऑल डन हो गया, तो अभी हम देखते हैं कि मेरा MySQL इंस्टॉल हो गया, तो एक्सेस हम कैसे कर सकते हैं। MySQL यहाँ दिए एक्सेस डिनाई, अब हम तो यूजर नहीं यूज कर सकता है। हाँ, तो यहाँ जो परेशानी हो रहा था कि ये एक्सेस नहीं करने दे रहा था, रूट लोकल होस्ट को एक्सेस नहीं करने दे रहा था, इसलिए मैंने इसके आगे सूडो, MySQL के आगे सूडो लगा कर चला। और आप देख सकते हैं कि मैं MySQL के अंदर हूँ। तो ये हो गया MySQL इंस्टॉल। अभी एक बेसिक सेटअप हुआ अपाचे PHP एंड MySQL, जो हम लोग बोलते हैं लैम्प सेटअप। तो लैम्प एक पैकेज जैसा आता है कि जब हम लैम्प इंस्टॉल चलाते हैं तो टोटल पैकेज को अपने हिसाब से लाकर रख देता है। अगर उसी चीज को मैनुअली आप जाते हैं करने, तो इस तरह से करना होगा।